बस मैं ये दुकान देख के मैंने आशीष भाई को यही कहा कि ये एक्चुअल दुकान लग रही है, अगर एक जीएसटी नंबर ले लो तो यहीं से धंधा कर सकते हैं। एक्चुअल में फिल्म सिटी में एक दुकान है जहाँ जिसको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ भी लेना खरीदना है तो यहाँ आ सकता है, यहाँ से ले सकता है। नहीं, वाकई में हमारे जो आर्ट डायरेक्टर है जयंत भाई, जयंत देशमुख जी, बहुत ही बढ़िया। हम भी जब पूरे कास्ट जब ये क्लाइमैक्स हम कर रहे थे इस कहानी का, और सब पूरी टीम जब पहली बार इस दुकान के अंदर आई तो हम भी देख के एकदम चौंक गए, मतलब खुशी के मारे चौंक गए कि इतना रियल ये लग रहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये सेट है। आपको लग रहा है सेट है? लग रहा है ना, रियल दुकान है, क्योंकि सारे देखे प्रोडक्ट्स भी जितने हैं, टीवी है, फ्रिज, सारे सब असली प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं। और एक जो छोटी छोटी जो डिटेलिंग है कि वहाँ पे लाइसेंस रखा हुआ है या सब देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब इतने बढ़िया तरीके से पूरा सजाया है, तो वाकई में एक अलग सी एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर आते ही हम सबको फील हुई। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब दुकान के सीन अच्छे से होंगे। मुझे याद है लॉकडाउन के पहले 16 मार्च 2020 मेरा लास्ट डे ऑफ शूट था लॉकडाउन के पहले, और वो दुकान में था 16 मार्च 2020। उसके बाद आज इतने दो साल के बाद, दो साल से भी ज़्यादा, अभी ये तो जून चल रहा है, तो अभी बस दो दिन पहले हम लोग ये दुकान में आए शूटिंग करने, तो बहुत ही मतलब अच्छा भी फील हो रहा था और थोड़ा सा दुख भी हो रहा था क्योंकि घनश्याम भाई नटू काका हमारे साथ नहीं है, तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं हम इस दुकान में आके। बट आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगे हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे ये देख करके। और बताइए, अभी वो तो हाँ देखिए अभी दया आने वाली थी, फिर से उसने हमें उल्लू बना दिया, तो अभी पता नहीं ये आसिद भाई क्या चाहते हैं। तो बस यही आशा करते हैं कि बहुत जल्दी अभी कुछ सुंदर भाई उल्लू ना बना के कुछ अच्छे दिन भी देखने को मिले जेठालाल को। आप खुद कितना मिस करते हैं, क्योंकि दया भाई, दया बेन का कैरेक्टर और जेठालाल का कैरेक्टर इतना 14 सालों से लोगों ने इतना प्यार दिया उस कैरेक्टर को। हाँ, आप 2-3 साल से नहीं हैं दिशा जी, लेकिन आप कितना मिस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो ट्यूनिंग थी, जो केमिस्ट्री थी, वो लोगों को आज तक, मतलब लोग पुराने क्लिप्स देखते हैं टू यू नो रिवाइव। नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 साल आप कह सकते हैं कि दिशा जी और मैंने, हम लोगों ने काम किया, और जो जैसा आपने कह रहे कि हमारी ट्यूनिंग डे वन से जो केमिस्ट्री हम दोनों की जम गई थी, और बहुत ही मज़ा आया। ये 10 साल हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स, आप पुराने मतलब एपिसोड जो थे, बहुत ही मज़ा आता था। ऑफकोर्स दिशा जी तो नंबर वन आर्टिस्ट है ही, और स्पेशली कॉमेडी में जो एक अनइनहिबिटेड जो अप्रोच होना चाहिए एक एक्टर का, तो आई थिंक फीमेल आर्टिस्ट में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन दिशा जी ऑफकोर्स आई मीन शी वॉज वंडरफुल, खुल के जो भी करती थी, जो मैडनेस थी उनके सोच में, उनके एग्जीक्यूशन में, तो वो देख कर के मतलब एज एन एक्टर ही नहीं पर एज एन ऑडियंस भी मज़ा आता है। मैं भी कभी कभी पुराने वो जैसे क्लिप्स देखने को मिल जाती है तो मैं भी कभी कभी देखता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है अरे ये सीन कब किया था, क्योंकि तो इतने सारे सीन कर चुके हैं पिछले 14 साल में कि भूल जाते हैं कि अरे ये सीन भी किया था क्या, फिर हम उसको देखने लगते हैं तो हमको भी मज़ा आता है कि अरे वाह ये तो बहुत मज़ेदार हुआ था। तो वाकई में यस डेफिनेटली आई मीन आई पर्सनली मिस हर वेरी मच। जो एक सीन करने का जो मज़ा एक को एक्टर के साथ आता है वो डेफिनेटली आई मिस इट। और सर और कोई नहीं पूछा तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सर और जानना चाहती हूँ मैं कि जैसे आपने अभी कहा कि यू नो नट्टू काका को भी आप मिस कर रहे हैं, जब इतने साल 14 साल एक्टर्स साथ में काम करते हैं तो एक फैमिली बन जाती है, फिर धीरे धीरे एक एक का साथ छूटना, कभी किसी पर्सनल लॉस की वजह से या फिर कुछ दूसरे कमिटमेंट्स या कुछ मजबूरी की वजह से, एज एन एक्टर आपके लिए कितने चैलेंजिंग टाइम्स रहते हैं, क्योंकि आप उनके साथ इतना वक्त बिताते हैं सेट पे। देखिए सिर्फ एक मैं समझता हूँ नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बींग। अभी देखिए हम भी हमारे जीवन में भी, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, कई
कभी ना कभी किसी ना किसी को तो जाना ही है, ये तो मतलब जो आया है उसे जाना तो है ही, ये तो फैक्ट है। तो फिर भी दुनिया चलती है, लाइफ गोज ऑन। तो थोड़े दिन आपको, जब आपका कोई निजी भी करीबी आपका कोई रिश्तेदार अगर चला जाता है तो आपको डेफिनेटली आप उसको आप उदास हो जाते हैं, आप मिस करते हैं, बट देन यू नो टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। तो उसके अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक एटीट्यूड है, वो चेंज इज़ इनएविटेबल। तो ये तो मतलब सृष्टि है पूरी, हर दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ बदलते रहता है। तो इफ़ यू एक्सेप्ट दैट तो यू नो आपकी आपका जीवन थोड़ा सा मतलब जर्नी आपकी सरल हो जाती है। अगर वहीं अटके रहे आप तो फिर अटक ही गए, तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये तो फैक्ट है कि अभी हर बार कोई ना कोई मतलब जैसा मैंने कहा कि बदलाव तो आते रहने वाले जीवन में, तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहो, शो मस्ट गो ऑन। सर जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी खबर हो जाती है कि अब आ रही है, फिर पता चलता है अब नहीं आ रही है। जब आपकी दिशा जी से बात होती है, मुलाकात होती है, तो किस बारे में बात होती है, क्या बातें उनकी तरफ से आपको कही गई या उन्होंने कहा आपसे? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, दिशा जी बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि उनसे जब से वो छोड़ के गई है उसके बाद से कभी फ़ोन पे बात नहीं हो पाई है मेरी। तो जो भी पता चलता है प्रोडक्शन के थ्रू ही पता चलता है कि उनकी क्या बातें चल रही है उनके साथ। और एक उनका एक पर्सनल डिसीजन है, यू नो एक प्रायोरिटी उनकी है फैमिली। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें भी उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए कि 10 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस सीरियल को दिए हैं, अब उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, अब उनकी प्रायोरिटी फैमिली है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसा आफ्टर ऑल वो भी आर्टिस्ट है, कभी ना कभी जब उनको मन होगा तो डेफिनेटली वो वापस आ भी सकते हैं। सो नेवर से नेवर। 14 शो में आपके परम मित्र, जो आपके प्रिय मित्र थे तारक मेहता जी, वो आप शो में नहीं रहेंगे, उनके बिना शूट करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट होगा? सी वही बात मैंने जो पहले भी कही कि बदलाव तो आते रहते हैं। तो आई मीन यू जस्ट थोड़ा सी डिफिकल्टी तो होती ही ऑफकोर्स, एक जो एक रिदम आपकी सेट हो जाती है एक, बट अभी यू नो नेवर से नेवर, यू नेवर नो, शैलेश भाई वापस आ भी सकते हैं। सॉरी, नहीं मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि फ्रेंकली कहूँ तो इतना वक्त ही नहीं मिलता है, क्योंकि अभी जैसे 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है वो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि फैमिली के साथ बिताऊँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो एक ऐसा राक्षस है जो एक बार अगर आप उसमें गए तो आपको पूरा खींच लेता है, तो फिर उसमें घंटे निकल जाते हैं, तो बेहतर है कि उससे थोड़ा सा दूर रहो तो अच्छा है। 14 years is a long journey, Dilip sir, and when you look back, what are the memories जो flashback की तरह आपके सामने आते हैं? I can only say one thing that God has been really, really, really very, very kind on all of us, on the whole team, especially on Asit bhai, because ये ख्याल उनके दिमाग में आया कि ऐसा है कि ये सीरियल बनाना चाहिए। हमारे गुजराती जो ह्यूमरिस्ट है तारक भाई मेहता, जो लेजेंडरी ह्यूमरिस्ट हैं जिन्होंने ये सारे कैरेक्टर्स बनाए हैं, तो ये तो उन्होंने मतलब 72 से शुरू किया और काफ़ी साल वो लिखते रहे, करीब 40 साल उन्होंने लिखा, लेकिन उसके ऊपर से ये सीरियल बनाना, ये सोच आसिद भाई की रही और उन्होंने ये सीरियल बनाई, हम सबको मौका दिया, हमारा जो जो भी हुनर है जो हम लोगों के सामने पेश कर सके, ये हमें रोल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये भगवान का बहुत ही बड़ा उपकार है हम सब के ऊपर, क्योंकि आप भी जानते हैं सीरियल आती हैं, फिल्में आती हैं, चली जाती हैं, सीरियल बंद हो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है ये लगता क्या है, शायद ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है कि लगातार 14 साल तक कोई कॉमेडी सीरियल चलना और लोगों का प्यार आज भी इतना पाना, ये वाकई में अगर ऊपर वाले की कृपा ना हो तो ये नामुमकिन है। तो मैं तहे दिल से भगवान स्वामी नारायण और मेरे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
कि उन्होंने इतनी कृपा बरसाई हम सबके ऊपर और बरसाते आ रहे हैं कि अभी भी ये शो चल रहा है। अब तो दर्शकों को भी पता है, अब क्या कहे उनको भी, वो भी 14 साल से देख ही रहे हैं। लेकिन व्हाट इज द कोई आपको कोई फनी कॉम्प्लीमेंट या किसी तरीके का, आई एम श्योर बहुत मिले होंगे एंड इट इज वेरी याद रखना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन कोई आपको याद है कि कोई ऐसे यू नो बबीता जी और आपको लेकर जो चलता रहता है, एक बैंटर चलता रहता है आप लोगों का, उसको लेकर कभी कुछ कॉम्प्लीमेंट या किसी से मिला हो? नहीं, कॉम्प्लीमेंट मैं ये समझता हूँ या बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब जब हमने ये शुरू किया तब एक थॉट मेरे दिमाग में एज एन एक्टर बहुत ही क्लियर था कि ये जो रिलेशनशिप उसको एक 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 मात्रा में इसको सीमित रखना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत थिन लाइन है। थोड़ा सा भी इधर हो गया, ऊपर हो गया तो वल्गर हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो गया तो वो जो इफेक्ट आनी चाहिए वो आएगी नहीं। तो एक और एक पायसनेस होनी चाहिए उसमें कि जैसे हर जो पुरुष होता है उसको खूबसूरत औरत अच्छी लगती है देखने के लिए, तो इससे बढ़कर ये नहीं कि उसमें और कोई मैलिस है उसके दिमाग में। एक अच्छा दोस्त जैसे दो पुरुष है जो अच्छे दोस्त हो सकते हैं, वैसे एक जेंट्स और एक लेडीज अच्छे दोस्त क्यों नहीं हो सकते। तो ये हमेशा से मैंने ख्याल रखा है और मैं सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये मानूंगा कि मैं कहीं गुजरात में गया था, वहाँ 3-4 दादी माँ की उम्र की औरतें थी, तो वो मतलब उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आपका और बबीता जी का देख के बहुत मजा आता है। तो वो अदरवाइज वैसे तो विचारों में कितने ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो उनको जब ये पसंद आता है दैट मीन्स के वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कहीं हम भटक नहीं रहे हैं, कि उनको ये अच्छा लगना ये तो वाकई में अच्छी बात है। सो लास्टली जानना चाहेंगे, इतने सालों से ये किरदार निभा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ या कभी वो मोमेंट हुआ जब घर पे गए और आप घर पे पत्नी जी ने बोला कि जेठा जी मत बनो, और तब क्या रिएक्शन होता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट हूँ और ये सीरियल शुरू इसके पहले 25 साल से थिएटर कर रहा था, तो हमारी तो ट्रेनिंग ही यही रही है कि एक बार मेकअप उतर गया तो हम जो है वो हो गए, तो एक बार मूंछ उतर गई तो मैं दिलीप जोशी हो गया, मूंछ पहन ली तो जेठालाल हो गया, तो वो क्लैरिटी पहले से भगवान की कृपा से है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। And how proud as a father you feel, अभी आपकी बेटी की शादी हुई and she set a beautiful example, you know, she did not gray her and you know color her hair, और उन्होंने जो जितने stereotype होते हैं कि you know लड़की को ऐसे दिखना चाहिए शादी में, ऐसे दिखना चाहिए, वो सब तोड़ कर रख दिए। How proud do you feel? Yeah, absolutely very proud and मैंने पहले भी मीडिया में हुआ ये सवाल मुझसे पूछा गया, तब मैंने कहा था कि ये एक्चुअली हमारे घर में ये कोई ऐसा ये सवाल ही नहीं था कि अच्छा इसको ऐसा, जिसको जैसे रहना है वो फ्रीडम है, जिसको जो बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी कभी मैंने ये नहीं कहा कि तुमको यही बनना है या ये बनना है, उनको जिस विषय में रुचि है उसमें उन्होंने पढ़ाई की और उसी में आगे वो बढ़े हैं, तो जो सीख मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है वही मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी प्राउड एज अ फादर दैट बहुत बच्चे दोनों, मेरा बेटा और बेटी दोनों बहुत सुलझे हुए हैं, तो कोई जैसे कहते हैं कि कोई भ्रम नहीं है दिमाग में, वेरी डाउन टू अर्थ है विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जो बहुत ज़रूरी है। तो या आई मीन थैंक यू सो मच थैंक यू।